नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम अभी आए हैं नवाबों के शहर हैदराबाद में और यहाँ हम आ चुके हैं सालार जंग म्यूज़ियम में। तो फ्रेंड्स, टिकट्स तो ऑलरेडी हमने ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो गाइस, अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ के म्यूज़ियम में किस किस टाइप के कलेक्शंस हैं। फ्रेंड्स, ये सालार जंग फैमिली है। इनके फैमिली में जो मेन पर्सन थे वो यूसुफ अली खान थे, जिन्होंने उनके टाइम में हैदराबाद में रूल किया था और उन्हीं के वजह से ये म्यूज़ियम भी एग्जिस्ट हुआ था, क्योंकि इनको न्यू चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। इन्होंने बहुत सारी कंट्री से चीज़ें कलेक्ट भी करे थे, जैसे कि चाइना, जापान, बर्मा, नॉर्थ अमेरिका, पर्शिया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की चीज़ें कलेक्ट किए थे इन्होंने। और इनके गुज़र जाने के बाद इनके फैमिली मेम्बर्स ने उनके चीज़ों को एक प्राइवेट म्यूज़ियम में एग्जिबिट करे थे, जिसका नाम सालार जंग पड़ा था। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे वो ज़माने की चीज़ें आज भी कितने अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है यहाँ पे। वो टाइम में कोई मशीन्स नहीं थे, फैक्ट्रीज नहीं थे, फिर भी देखिए कितना डिज़ाइंस कितने अच्छे से बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये जो म्यूज़ियम है ना, ये म्यूज़ियम दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम है। ये जो चेयर आप देख रहे हैं ना, ये सिल्वर का बना हुआ चेयर है। ये साड़ियाँ हैं जो वो टाइम पे वो लोग पहनते थे। देखिए कितने अच्छे हैं डिज़ाइंस, कितने अच्छे अच्छे हैं। ये सारे बर्तन सिल्वर के हैं जो उन्होंने वो टाइम पे यूज़ करे थे, और ये कॉपर है। गाइस, कॉपर का एक स्पेशलिटी है, अगर हम कॉपर के पॉट में पानी रख के पियेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस, ये जो म्यूज़ियम है ना, इसका इनॉग्रेशन हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू सर, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये उस ज़माने के पीलो कवर्स एंड बेडशीट से थोड़े फेड आउट हो गए हैं, बट स्टिल बहुत अच्छे हैं। ये जो बर्तन है कितने छोटे छोटे और क्यूट है। गाइस, ये जो ग्लासेस के ऊपर गोल्ड कलर है ना, ये गोल्ड है। Oh, 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 oh
गाइस ये जो टॉयज बने हुए हैं ना, ये मिट्टी के बने हुए हैं। गाइज़ ये सारे पेंटिंग्स हैं जो कि उन्होंने बनाए होंगे या फिर ख़रीदे होंगे, और बहुत सारे पेंटिंग्स, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे हैं, आप देख नहीं सकते हो, इतने सारे हैं। वीडियो में मैंने तो बस 10% या 20% ही कैप्चर किया है, बाकी क्योंकि इतना सारा कैप्चर करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सारे वो ज़माने के सोफ़ा सेट्स है जो कि अभी भी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक ये टेक वुड के सारे हैं, बिकॉज अभी तक ख़राब हो जाते अगर कोई अदर लकड़ा या वुड होता तो। यहाँ पे जितने भी चीज़ें रखी है ना गाइस, हर चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है, इतने सारे डिज़ाइंस है, अलग अलग शेप्स है, मतलब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में दिखाई नहीं सकती। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें देखना है तो आप सालारजंग म्यूज़ियम में आइए, आप खुद देखिए, बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखी हुई है, बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है। ये जो सारे स्टैचू है ये मार्बल के बने हुए हैं। यहाँ पे अभी जो भी चीज़ें बनी हुई है ये सारी हाथी के दांत से बनाई गई हुई है। ये जो चटाई बनी हुई है ये हाथी के दांतों से बनाई गई है। यहाँ की हर एक चीज़ है ना गाइस, वो हाथी के दांतों से बनाई गई है, और उनको कलर्स भी किया है इन लोगों ने। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हाथी के दांतों से बनाई है ना गाइस, सो आई थिंक इन्होंने हाथी को मार के ही बनाई होंगी, बिकॉज़
नेचुरली हाथी तो इतने नहीं मर जाते हैं ना। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे नहीं पसंद आता एनिमल्स को मारना। सो अगर ये एनिमल्स को मार के बनाए हैं, हाथी को मार के अगर ये डिज़ाइंस बनाए हैं, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो गाइस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक, बट मैं वीडियो में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें डाल रही हूँ। सो अगर आपको देखना है तो आप आइए हैदराबाद और यहाँ पे आके देखिए। सो गाइस, अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।